सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं मैंगो से स्टेशनरी शॉपिंग। सो गाइज, मैंगो की स्टेशनरीज वैसे बहुत ज़्यादा फेमस एंड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। बट आज जाके हम लोग देखेंगे अंदर कि मतलब क्या प्राइस है इसकी एंड कितनी एक्सपेंसिव है, कैसी है क्वालिटी, सब कुछ देखने वाले हैं। तो देखिए, ये रहा सबसे पहले यहाँ पर पेंटिंग की ना बहुत सारी सप्लाईज है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जो हाफ शॉप है पूरी पेंटिंग की है। इवन क्राफ्ट सप्लाईज भी बहुत है। देखिए, क्राफ्ट पेपर्स से लेके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एंड हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है यहाँ की स्टेशनरीज। तो ये देखो, ये क्राफ्ट स्ट्रिंग्स एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब मैं तो पूरी घूम गई थी यहाँ पर, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। एंड कलर्स देखो आप कितने सारे, मतलब गाइस हर कलर्स अवेलेबल है, एक एक के कलर्स। इन कितने क्यूट इसका, मतलब शेड्स कितने प्यारे प्यारे हैं, मैं आपको फुल उसमें दिखाती हूँ कितने सारे कलर्स हैं। एंड इवन ग्लूज भी बहुत सारे, देखो ग्लिटर ग्लू बहुत सारे, स्मॉल स्मॉल वाले भी है, अलग अलग कलर्स के ग्लिटर ग्लू। एंड यहाँ पर कुछ रेडीमेड हैंडमेड स्टफ्स भी हैं बहुत सारे। एंड एक तरफ मैंने ब्रशेज़ देखी थी, देखो ये ब्रशेज देखो कितने सारे। एंड आपको पता है ये वाला ब्रश कितने का है? 1200 का है एक ब्रश, सिर्फ सिंगल ब्रश की प्राइस 1200 है ये वाला, जो भी मैंने पिक किया है। मतलब ये वो लोग बोल रहे हैं ये कुछ मतलब स्पेशल है, मतलब आर्ट वर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल ब्रशेज है। एंड ये है सैंडविच एंड बर्गर नोटबुक्स, जो मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाई थी वो है यहाँ पर। और भी बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग से नोटबुक्स एंड बहुत सारी अलग अलग शेप्स की है। एंड यहाँ पर देखो ये नेल आर्ट किट। एंड यहाँ पर बहुत सारी पेन्स है, देखो कितने क्यूट क्यूट पेन्स हैं, लेकिन सबके कॉस्ट थोड़े थोड़े हाई है। जैसे आपको लोकल मार्केट या फिर मिस्टर DIY में लो प्राइस पे मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा हैवी रेंज है यहाँ पर सारे। एंड कलर्स वैसे ही हैं, मतलब वो सेम है फेविक्रिल के। तो कलर्स दिखते हैं यहाँ पर, कलर्स के कुछ यूनिक शेड्स, बहुत मतलब अच्छे अच्छे शेड्स हैं यहाँ पर। एंड देखो की रिंग है, ये हुक भी है, ये सब नॉर्मल प्राइस पे, जैसा जो MRP है ना वही है। तो देखो ये फैब्रिक कलर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं यहाँ पर, मतलब आपको सारे ही शेड्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई स्पेशल आर्ट बनाते हो, कुछ करते हो, तो सारे कलर्स आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर देखो ये फाइन लाइनर्स वाले भी हैं बहुत सारे, सब फेविक्रिल्स के हैं, 3D आउटलाइनर्स एंड बहुत सारी। और ये देखो कितनी अच्छी क्राफ्टिंग में कितना काम आएगा ना गाइज, ये वाला पॉम पॉम की पूरी पैकेट है, इससे गाइज हम कितनी सारी क्राफ्टिंग कर पाएंगे ना, तो ये वाला तो ले ही लेते। एंड यहाँ पर देखो बहुत सारे MDFs कटआउट्स एंड वुडन बोर्ड्स हैं, मतलब आप उस पर पेंटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे देखो पेंसिल कलर्स इतने सारे, की चेन्स। सो गाइज, मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग की है, तो चलिए चलते हैं घर पे, देखते हैं क्या हमने यहाँ से क्या क्या चीज़ें परचेस की थी। वैसे गाइज मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़ें परचेस की थी, पर जो मेरी बिलिंग है वो 2.5-3000 तक हो गई थी। तो वहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव सप्लाईज है, पर बहुत अच्छे अच्छे, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी शॉप ही ले लो, इतने अच्छे अच्छे सप्लाईज एंड कलर्स मैंने आपको दिखाई थी ना, एक एक कलर एक एक शेड्स अवेलेबल थे। ये वाला गाइस मुझे फर्स्ट साइड पे ही बहुत ही अच्छा लगा था, ये पॉम पॉम की पूरी पैकेट, इसमें इतने सारे अलग अलग कलर्स के सारे पॉम पॉम्स अवेलेबल है। तो गाइस हम इससे कितनी सारी आप सोचो क्राफ्टिंग कर पाएंगे, तो मैं तो सोच रही हूँ रेनबो क्राफ्टिंग चैलेंज को, क्या बोलते हो आप, नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। 5 days रेनबो क्राफ्टिंग चैलेंज हम कर सकते हैं। और मोल्डेड क्ले ली मैंने, वो तो हम मोल्डेड क्ले से तो कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, तो 3 मोल्डेड क्ले लिया है। एंड ये ना मैंने मैंगो के ब्रशेज जो मैं आपको दिखा रही थी ना वहाँ पे, वो लिए हैं मैंने। ब्रशेज 2 types के लिए हैं, एक मैंने मतलब बिग साइज़ का लिया है, एक एकदम 0 size का लिया है। तो 2 brushes मैंने वहाँ पे लिए। तो आप ब्रशेज लोगे ना तो आपको इस तरीके से एनवेलप में मिलेगा। तो देखिए चलिए इसे ओपन करते हैं। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैंगो की स्टेशनरी यूज़ करने के लिए, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंगो से स्टेशनरी शॉपिंग की है। आपको तो पता है मैं मॉल्स वगैरह से ही स्टेशनरी शॉपिंग ज़्यादातर करती हूँ, पर मैं सीधे मिस्टर DIY में जाती हूँ, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम मैंगो में गई हूँ। तो मुझे काफ़ी अमेजिंग लगी वहाँ की स्टेशनरीज़, एंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के सप्लाईज़ थे वहाँ पर, कलर्स से लेके क्राफ्ट सप्लाईज सब बहुत ही यूनिक एंड प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें थी वहाँ पर। तो देखिए अब मैंने 2 colors भी लिए, 2 shades मेरे पास नहीं थे, बाकी सारे शेड्स तो मेरे पास बहुत है, तो इसीलिए मैंने वो सब नहीं लिए, ये 2 shades बहुत ही यूनिक था तो मैंने इसे ले लिया। एंड नेक्स्ट मैंने की रिंग्स ली, हम बहुत सारे की चेन्स बनाते रहते हैं ना मोल्डेड क्ले से या फिर नॉर्मल सॉफ्ट क्ले से, तो की चेन पर भी मैं एक चैलेंज रखूँगी, क्राफ्ट चैलेंज कुछ 10 days का, तो इसीलिए मैंने ये रिंग्स लिए हैं। तो बहुत सारी रिंग्स है इसमें, कम से कम मतलब 20 होगी आई थिंक 20। तो ये रिंग लिया मैंने एंड हुक लिया है, वो भी मोल्डेड क्ले में यूज़ करने के लिए लिया है। तो चलिए इसे रख लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वाला गाइस, ये हुक्स लिए हैं मैंने, ये भी काफ़ी अमेजिंग था, लेकिन ये पर पैकेट है ना, कुछ 50 की है वो 60 की ऐसे है। एंड मिस्टर DIY में इट्सी विट्सी में आपको बहुत ना मतलब लो प्राइस पे मिल जाता है, लेकिन मैंगो की स्टेशनरीज थोड़ी सी बजट में ज़्यादा है।
हैवी रेंज की है पर बहुत अच्छी थी सीरियसली, मतलब पूरी शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड ये दोनों तो मैंने आपको दिखाया था ना, सैंडविच एंड बर्गर नोटबुक, एंड नेक्स्ट और क्या लिया था मैंने, बस इतना ही लिया है मैंने। तो कैसी लगी आज की ये स्मॉल सी स्टेशनरी शॉपिंग थी, पर इसकी बिलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, 2.3 to 4 मतलब 3 हो गई थी, 3000 तक हुआ था कुछ। तो और भी स्टेशनरीज ये है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।